कि अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया, अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया, बोलो कौन चलाया। डरना नहीं, जबान को नकारा खल बनाकर पुकार कर बोलो कौन अब्दुल मालिक पर गोली चलाया, उसका नाम क्या है बोलो। क्या तुम मालेगांव में गोली चलाने वाले को और दोगे या जो गोली खाकर कानून का लिहाज रखने वाले का साथ दोगे बोलो। तुम गोली चलाने वालों का साथ दोगे, तुम जालिम का साथ दोगे या तुम मजलूम का साथ दोगे, किसका साथ देंगे आप? आप जालिम का साथ देंगे, आप मजलूम का साथ देंगे, आप कमजोर का साथ देंगे? तो इस वजह से भी आपको मुफ्ती इस्माइल को वोट देना। और जो गोली चला रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, भाई साहब तुमको भी एक दिन मरना है, हम सबको एक दिन मरना है। कोई दुनिया में नहीं मरता जब तक उसका टाइम नहीं आया। मेरी गाड़ी पर भी 6 फीट के फासले से इबलीस की औलाद ने गोली चलाई थी। यजीद के चाहने वालों ने गोली चलाई थी। मैं और यामीन बैठे थे टोल गेट के पास, 6 गोलियां मारे, ताड़ ताड़ ताड़। खैर हम निकल गए और ये जालिम बोलता कि अरे हम मारना चाहते थे, इन्हें नहीं मरा। अरे मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम फिर से कोशिश कर लो, तुम 6 मारे ना 12 मारो। अगर उन्हें नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। और ये गोली चलाने वाले सुन लो, तुम मौत से डरते, मौत हमारे लिए हमारी महबूबा है, याद रखो। मैं अब्दुल मालिक के बाप की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अरे मौत को तो गले लगाना हमारा काम है। एक साल से इसराइल गाजा में 40,000 लोगों को मार दिया, मगर वहां का बच्चा भी बोल रहा, ले पत्थर, फलस्तीन जिंदाबाद। आप हमको 4 गोलियां अब्दुल मालिक को मार के जख्मी करके, याद रखो जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मगर इनका मंशा और मकसद क्या है? जो गोली पर भरोसा करते बैलेट पर नहीं करते, जो गोली पर भरोसा करते जमहूरियत पर नहीं करते, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। याद रखो मालेगांव के गरीबों, याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, तुम चाहे अंसारी हो या दखनी हो या कुछ भी हो, तुम चाहे मुसलमान हो या दलित हो, याद रखो अगर गोली का कल्चर शुरू हो जाएगा तो अब्दुल मालिक पर चली गई, कल तुम्हारी औलाद को मारा जाएगा, कल तुम्हारी बेटी बेवा होगी, कल तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। इसलिए गोली चलाने वालों का साथ हम नहीं दे सकते, जान बचाने वालों का साथ दो, जान लेने वालों का साथ मत दो, खातिलों का साथ मत दो, जिंदगी बचाने वालों का साथ दो। और वो है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मुफ्ती इस्माइल को इसलिए आपको वोट देना है, इसीलिए आपको वोट देना है।